यास्मीन बानो जी, स्वागत है आपका। हमें अजीम साहब से बात करनी है। जी बच्चा, जी मैं बात कर रहा हूँ। हकीम साहब, मेरी बहन है 34 साल की। वो जो है लंगड़ा, पहले शुरू से तो वो ठीक थी जब 14 साल की थी, फिर उसके बाद वो लंगड़ाने लगी और धीरे धीरे वो एकदम बैठ गई। अब एकदम चल नहीं पाती है, उनके हाथ भी उंगली है सब टेढ़ी हो गई कि खाना नहीं खा पाती है। और एक हमारे अंकल है, उनके भगंदर है, बस पड़ा रहता है। और मेरी पलक में जो है गांठ है, काफी दिन से बिल्ली निकली थी उसमें लहसुन लगा लिया, वो गांठ बन गई, अब वो जा नहीं रही है। बस हकीम साहब, इसके लिए हमको जो है ये बता दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, बहन को आपकी गठिया शुरू हो गया, जो कैफियत आपने बताई है वो गठिया की है। तो ये करें कि कहता है गौंद सियाह, काला गौंद इसे कहते हैं, ये लें, असली वाला लें, ये नकली बहुत मिलता है। और आधा ग्राम गौंद सियाह और आधा चम्मच अलसी का पाउडर। अच्छा, अलसी का पाउडर इस सूरत में इस्तेमाल होता है कि इसे हल्का सा भून कर फिर पाउडर बना के रख लेते हैं। तो आधा चम्मच अलसी का पाउडर, आधा ग्राम गौंद सियाह सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी से दें या दूध से दें, एक कप दूध से दे दें। ये देना शुरू करें और इनको 6-7 महीने लगातार देना होगा, तब इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और भगंदर के लिए देखिए, खुराक में ये मुनहजिम चीज़ें जो हजम हो जाएं आसानी से, ऐसी चीज़ें खिलाएं। और एक नुस्खा बना लें उनके लिए, तो वो नुस्खा ये है कि कत्था, जो पनवाड़ी पान पे लगाता है, वो कत्था 100 ग्राम ले लें। कत्था 100 ग्राम, लाजवंती एक दवा का नाम है वो भी 100 ग्राम, और अलसी भी 100 ग्राम, और इसबगोल की भूसी 100 ग्राम, और गौंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम। इनको खूब बारीक पीस लें और ये आधा चम्मच यानी 2-3 ग्राम एक वक्त में खाना है। थोड़ा बद जायका लगेगा, बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन खाना है। चाहे तो इसकी गोलियां बना के रख लें और खाना है दूध के साथ। कम से कम एक टाइम शुरू करें पहले, और फ़ायदा उससे होने लगे तो फिर 2 टाइम लेने की ज़रूरत नहीं, और कम फायदा लगे तो इसे 2 वक्त भी दूध के साथ लिया जा सकता है। हकीम साहब, पलक पे गांठ? हाँ बेटा, पलक की गांठ के लिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि किस तरह की है। उसे हम रिमूव करा दें तो बेहतर है, या फिर एक वो आता है गौंद चिलगोज़ा, एक चुटकी में जितना आए रोज़ाना खा लिया करें। और ये खाने का सोडा 1 गिलास पानी मिला के इससे खा लिया करें। ये दिन में कम से कम एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाने से पहले, खाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है।